हे गाइस, वेलकम ऑन माय स्टडी दोष यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, इंडियन नेवी में एक और नई वैकेंसी जो आपके सामने आ गई है। इससे पहले अभी आपका नेवी AA एंड SSR के फॉर्म सबमिट हो चुके हैं और उसके बाद में नेवी MR के लिए भी नोटिफिकेशन आ चुका है। आई नो नोटिफिकेशन बहुत पहले आ गया था, मैंने टेलीग्राम में पोस्ट भी कर दिया था, आप लोगों को इन्फॉर्म भी इसके रिगार्डिंग कर दिया था, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा उन चीज़ों के बारे में शायद आप अभी तक नोटिस नहीं कर रहे होंगे, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ओके गाइस, सो आज के न्यूज़पेपर में भी ये खबर जो है पब्लिश हुई है, उसके अलावा ये आपको नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा सारी जानकारी जो यहाँ पे है, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं पे यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, एक एक करके सारी चीज़ों को बात करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट सिर्फ 10th पास हैं, मैटर नहीं करता किस बोर्ड से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो इंडिया के होने चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो आप जा सकते हैं भारतीय नौसेना के अंदर MR यानी कि मैट्रिक रिक्रूटमेंट के अंदर, जो एक बैच है आपका अक्टूबर 2020, इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे 10th पास अगर आप हैं। लेकिन इससे मेन इंपॉर्टेंट बात ये रखना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2003 के बीच में होना चाहिए। ओके गाइस, सो इसमें टोटल जो है 400 रिक्तियाँ यानी कि 400 वैकेंसीज़ हैं आपकी और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, कि उम्मीदवार में जो है MHRD या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन से मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें जो है ये है कि दोनों चीज़ें शामिल हैं, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 1 अक्टूबर 2000 है या 30 सितंबर 2003 है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेन इम्पोर्टेंट मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पोस्ट बहुत अच्छी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि अगर आप बेरोज़गार हैं, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आपकी परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं है, तो उससे अच्छा ये है कि आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी देखिए, इसमें जो आपको बता दूं कि इसमें काम क्या होता है, सेफ यानी कि कुक का काम होता है इसमें। देखिए, सहकारी एवं गैर सहकारी दोनों तरीके के आपको खाने बनाने के लिए वहाँ पर मेन्यू दिया जाता है, वो आपको बनाना पड़ेगा। स्टीवर्ड्स यानी कि उस मेन्यू के जो तैयार जो है वाइन्स वगैरह, स्टोर्स या फंड्स की अकाउंटिंग, हाउसकीपिंग, इसमें अलग अलग टाइप की जॉब यहाँ पर आपको ऑफर की जाती हैं। ठीक है, ऑफिसर्स मैस के भोजन परोसना, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। 10th लेवल पे है, बहुत अच्छी जॉब नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट से अच्छा ये है। ओके, उसके बाद हाइजीनिस्ट में होता है, इसमें वॉशरूम स्पेसेज और अन्य क्षेत्रों को साफ सफाई करने वाला, तो ये तो इसमें काम करना होता है। पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रख के ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, अदरवाइज कोई मैटर नहीं करता। ओके, सो आवेदन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि इसमें सिर्फ 6 दिन के लिए ही आप आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए आप 23 नंबर यानी कि कल से आप इसमें आवेदन स्टार्ट करेंगे और जो वेबसाइट है www.joinindianarmy यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे ज्वाइन इंडियन नेवी आएगा, ये ध्यान रखना, ये मिस प्रिंट है यहाँ पे। बाकी मैं उसका लिंक आपके इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ओके, इस पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। भरते समय में यह सलाह दी जाती है कि आप अपना विवरण सही तरीके से भरें, जो दस्तावेज़ वहाँ पे अपलोड करने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको, वो अच्छे से अपलोड करें, तो ठीक है। तो इसके लिए आप अपलोड करने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, करंट अपॉर्चुनिटीज़ में जाना पड़ता है, वहाँ पे आप देखेंगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए अपनी प्रोफाइल पहले से बनानी पड़ती है। जो पुरानी कैंडिडेट है उसको कोई प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं है, बस वो जाएंगे, उसके बाद जो भी चीज़ें वो सबमिट करवाने के लिए बोलता है वो ऑप्शन टिक करेंगे और हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको अगर नए कैंडिडेट हैं तो नई रजिस्ट्रेशन ID के साथ में आपको बनाना पड़ेगा। ईमेल ID और मोबाइल नंबर आप अपना अच्छे से सही दीजिएगा, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आपको ईमेल पे और मैसेज के थ्रू मिल जाए। ओके, और उसके लिए आप अप्लाई बटन पे करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद में आप जो भी डिटेल हैं उनको सभी को भरने के बाद सबमिट क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म अपलोड हो जाएगा। आपको जो है दस्तावेज़ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी मूल प्रति यानी कि आपको ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है। ओके, उसके अलावा फोटोग्राफ भी आपको जो है अच्छी क्वालिटी का नीली पृष्ठभूमि यानी कि ब्लू बैकग्राउंड के साथ में आपको अपलोड करना होता है। ठीक है, तो ये तो जानकारी थी फॉर्म भरने की। सबसे ज़रूरी बात क्या ध्यान में रखनी है आपको कि 23 से 28 नवंबर तक ही आप इसमें अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि 6 दिन के लिए आप इसमें सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेवी में SSR में भी पेमेंट के टाइम बहुत से लोगों को दिक्कत हुआ था। उसके अलावा आपको ये चीज़ ध्यान ये रखना है कि जैसे फॉर्म स्टार्ट होते हैं तुरंत से अप्लाई कर दो, ठीक है, अगर करना है तो। उसके बाद में तैयारी स्टार्ट करो, इसका भी एग्ज़ाम जो है जल्द ही आपका हो जाएगा। ओके,
अभी इसमें आपको ये तो बता ही दिया कि कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं जो आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे लगा कि मूल निवास प्रमाण पत्र और जो आपका एस सी एस टी की स्थिति जो आप भरने जा रहे हैं, अगर आप एस सी एस टी से रियल में बिलोंग करते हैं तभी उस ऑप्शन को टिक कीजिएगा, अदरवाइज आपके पास लास्ट में सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आपकी कैंडिडेटरी यानी कि जो वो निरस्त कर दी जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि फिर आप उसके पात्र नहीं पाए जाते हैं। ओके, उसके अलावा अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और वहाँ पे कुछ दुर्व्यवहार करते हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह के साथ पकड़े जाते हैं या कुछ और कारण से भी आपको वहाँ पे निरस्त किया जा सकता है आपकी कैंडिडेटरी को। ठीक है, तो यहाँ पे जॉइन इंडियन नेवी की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी इसको सही लिख दिया गया है तो वो आप याद रखिए, या इस QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं पूरे पेज को आपके टेलीग्राम में शेयर भी कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके अलावा एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए टेलीग्राम में मैं आपको अपना नोटिफिकेशन जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे कल अपलोड होगा लेकिन पहले से वो वायरल हो जाता है तो वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, आई होप आप सभी लोगों के लिए जानकारी अच्छी रही होगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सिलेबस से रिगार्डिंग कुछ भी समस्या है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको इसके लिए ज़रूर गाइड करूँगा। उसके अलावा चैनल पर बहुत से वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो आपको इस तरह की स्पेसिफिक जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जिन लोगों को इसकी नीड है उस तक इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा शेयर और एक लाइक कर दीजिएगा। उसके अलावा गाइज आप अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप खुद भी एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो जरूर इसके लिए जाइएगा और इसकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।